क्वेश्चन रूल लास्ट वीडियो में हमने टेंसर नोटेशन एंड ऑपरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक में एक सेक्शन uh, रह गया था जो कि है क्वेश्चन रूल तो क्वेश्चन रूल हमें ये बताता है कि आपके पास अगर एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं या आपके पास कोई सेट ऑफ वैल्यूज हैं तो आपने ये जानना है कि ये क्या ये टेंसर है या नहीं है तो क्वेश्चन रूल आपको ये हेल्प आउट करेगा तो इस हवाले से क्वेश्चन रूल यूजफुल है वन, uh, आपके पास सेट ऑफ कम्पोज के लिए बता सके क्या ये वेक्टर है या नहीं तो लेट्स सपोज आपके पास कोई एक आर वेक्टर है वी जे, कोई आपके पास ये भी वेक्टर है ठीक है और आ, ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होल्ड करता है कि वी से आपके पास यू में ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपको लेके जाता है एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स जिसके बारे में आपने जानना है कि क्या वो टेंसर है या नहीं है तो यू वी आपके पास एक आर्बिटरी वेक्टर है और यू मेरे पास वेक्टर है एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और वर्ड जो है लेट्स सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है वी और हर वेक्टर के लिए और ये हमारे पास वी आर्बिटरी वेक्टर है कि वी को मैं इसका प्रोडक्ट लूं जो इस केस में इनर प्रोडक्ट है

तो मेरे पास यू आता है यू जो नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर है तो फिर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ जो ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं टी आई जे ये सेकंड रैंक टेंसर है ये टेंसर है हमारे पास तो प्रूफ कुछ इस तरह से है कि इसके लिए आपको चाहिए चार इक्वेशंस जैसे कि आपको दो इक्वेशन चाहिए विद इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम और दो इक्वेशन आपको चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में तो विद इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यू और वी का रिलेशन है मेरे पास ये प्राइम कंपोनेंट्स है अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास है जो अनप्राइम कम्पोनेंट्स हैं उनमें यू और बी का रिलेशन है वो ये ये यू वी का रिलेशन प्राइम कम्पोनेट्स में और ये अनप्राइम कम्पोनेट्स में है. तो ये इन इन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये इन बिटवीन यू और यू अल्फा का इन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज है तो ये इन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये चार सेट ऑफ इक्वेशंस लेके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है टी आई जे टेंसर है या नहीं है तो हम करेंगे ये कि u अल्फा u अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ठीक है u i यहाँ पे आ रहा है u i की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे v j आ रहा है v j की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है तो और देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं तो ये रहा मेरे पास वही जो मैं आपको बता रहा था कि bb प्राइम की जगह इक्वल था u अल्फा के t अल्फा b प्राइम vv प्राइम इक्वल्स टू बीटा प्राइम इज इक्वल टू द u अल्फा प्राइम के तो यू अल्फा प्राइम इज इक्वल टू आ गया a अल्फा i ui ये ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स है अन प्राइम और अन प्राइम है ui की जगह पे मेरे पास ये आ गई ये हमारे पास रिलेशन है विद इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम v का ui के साथ ठीक अब vj की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रोटेटेड टू नॉन रोटेटेड कॉर्डनेट सिस्टम तो ये जी की जगह पे मेरे पास पूरी ये आगे अल्फा अल्फा ए ए बीटा बीटा जे और बी प्राइम अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे मुझे वैक्टर मिल गया कंपोनेंट uh, मिल गया वी बीटा प्राइम और यहाँ पे बी वी बीटा प्राइम है तो इसको मैं ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ले ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो यहाँ पे जीरो हो गया तो ये तो हमारे पास बी बीटा जो प्राइम है ये तो आर्बिटरी वेक्टर है तो ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता तो जो चीज़ जीरो हो सकती है वो प्रैथिसिस में तो अगर ये हमारे पास प्रैथिस की जो वैल्यू है वो जीरो है तो इसका मतलब ये है कि टी अल्फा बीटा प्राइम इज इक्वल टू अल्फा आई ए बीटा जे टी आई जे तो ये बिल्कुल ये जो टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसको होल्ड करता है ये जो सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं टी तो इसका मतलब ये है कि ये टेंसर है तो आपके पास इसी तरह कोई भी एक्स ये तो मैंने आपको नाइन uh, कंपोनेंट्स के लिए शो किया था टू uh, इंडस्ट्रीज के लिए शो किया है सपोज आपके पास एक्स है और सेट ऑफ कंपोनेंट्स uh, उसके थ्री पावर एन थ्री डायमेंशन में और अगर आपके पास एक्स प्रोडक्ट है विद आरबिटी टेंसर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट भी हो सकता है इनर प्रोडक्ट भी हो सकता है कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकती है उसमें वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं भी हो सकती है।

जो कि नॉन जीरो टेंसर जो कि बी है ठीक है एक है हमारे पास आरबीडी टेंसर बी हमारे पास नॉन जीरो टेंसर फिर हम ये कहेंगे अगर मैं ये होता है कि ये नॉन जीरो नहीं आ, नहीं है ये जीरो है हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन है तो फिर एक्स हमारे पास टेंसर नहीं होगा तो इस तरह आपके पास कोई भी सेट ऑफ कंपोनेंट्स है आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल वो टेंसर है या नहीं है